हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, वीवो कंपनी अपनी वीवो एस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपने नए स्मार्टफोन वीवो S7 को लेकर आ रही है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन को कुछ दिन पहले सर्टिफिकेशन साइट के ऊपर देखा गया था, लेकिन दोस्तों अब कंपनी ने इस स्मार्टफोन के टीजर को भी जारी कर दिया है और इस स्मार्टफोन को दोस्तों कंपनी आने वाली 3 अगस्त को लॉन्च करने जा रही है। दोस्तों, वीवो S7 एक बढ़िया और अच्छा 5G स्मार्टफोन होगा और इस स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन भी दोस्तों बढ़िया होगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप तो देखने को मिलेगा ही। इसके साथ ही दोस्तों इसके अंदर आपको ड्यूअल सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन को लेकर कंपनी ने अब लगभग सभी स्पेसिफिकेशन को कंफर्म कर दिया है और इस स्मार्टफोन की एक पिक्चर्स भी सामने आई है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीवो S7 स्मार्टफोन के फीचर्स, इसकी प्राइस, इसकी स्पेसिफिकेशन आदि के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप एक बढ़िया अच्छा वीवो कंपनी का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना आप। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से वीवो कंपनी अपने लगातार नए नए स्मार्टफोन्स को मार्केट में उतार रही है। तो दोस्तों, इसी सीरीज में अब वीवो कंपनी वीवो S7 को लेकर आ रही है। दोस्तों, अगर वीवो S7 स्मार्टफोन के लुक और इसकी डिजाइन की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का बैक पैनल देखने में आपको वीवो X50 प्रो स्मार्टफोन की जैसा ही दिखाई देगा, यानी इसके अंदर आपको दोस्तों ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही अगर इसके फ्रंट पैनल की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको नोच डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि दोस्तों ड्यूल सेल्फी कैमरा के साथ आएगी। तो दोस्तों, अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो दोस्तों लीक्स डिटेल के मुताबिक इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 6.4 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले देगी, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 होगा। और इसकी कॉर्निंग के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेगा। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन की सबसे खास बात, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी सुपर एमोलेड का पैनल देगी, यानी दोस्तों इसके अंदर आपको बढ़िया अच्छा वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इसके बैक पैनल के ऊपर 64 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 44 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का ड्यूअल फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कैमरा सेटअप बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। इस स्मार्टफोन की पिक्चर्स क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होने वाली है। इसके अंदर आपको बढ़िया और अच्छे कैमरा सेंसर देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के वेरिएंट्स की, तो दोस्तों वीवो S7 स्मार्टफोन आपको मार्केट के अंदर 8 GB रैम के साथ देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको 128 GB और 256 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। और इसके अंदर आपको दोस्तों शायद माइक्रो SD कार्ड का भी स्लॉट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यह स्मार्टफोन कंपनी का एक बढ़िया और अच्छा 5G स्मार्टफोन होगा। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 765G का चिपसेट देगी और यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया जाएगा। और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एडीनो 620 का GPU देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, प्रोसेसर के मामले में यह स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का बढ़िया और अच्छा पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 5G कनेक्टिविटी के सपोर्ट के साथ आएगा। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बढ़िया और अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। दोस्तों, वैसे तो इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 30 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 4500 mAh की बढ़िया और अच्छी पावरफुल बैटरी दे सकती है। लेकिन दोस्तों, इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। सो फ्रेंड्स, ये थी स्मार्टफोन की अभी तक सामने आई लीक्स डिटेल और इसकी स्पेसिफिकेशन। हालांकि दोस्तों, इस स्पेसिफिकेशन में से कुछ स्पेसिफिकेशन के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट के बारे में। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के टीजर के मुताबिक इस स्मार्टफोन को कंपनी आने वाली 3 अगस्त को लॉन्च कर देगी, लेकिन दोस्तों यह स्मार्टफोन अभी इंडिया में लॉन्च नहीं किया जाएगा। पहले यह स्मार्टफोन कंपनी चाइनीज मार्केट में उतारेगी। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत इंडियन करेंसी के अनुसार लगभग 32,000 रुपए के आसपास रखी जाएगी। बाकी दोस्तों, इस स्मार्टफोन की इंडियन मार्केट में कितनी कीमत होनी चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।